नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोक्स टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ओफ्लोक्स टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओफ्लोक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओफ्लोक्स टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ओफ्लोक्स टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ओफ्लोक्स टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस होने पर, साइनोसाइटिस होने पर, फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है, इसलिए खांसी होने पर भी आपका डॉक्टर ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर आपको ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। ओफ्लोक्स एक ब्रांड नेम है। ओफ्लोक्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ओफ्लोक्सासिन होता है। ओफ्लोक्स टैबलेट 100 mg व 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोक्स टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। ओफ्लोक्स टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। ओफ्लोक्स टैबलेट को खाली पेट लेने से कुछ व्यक्तियों में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है। अगर आपको ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या होती है तो आपको ओफ्लोक्स टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओफ्लोक्स 200 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन ओफ्लोक्स टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना ओफ्लोक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओफ्लोक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में ओफ्लोक्स टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओफ्लोक्स टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ओफ्लोक्स टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने के बाद और ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने से पहले 2 घंटे तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंटासिड दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ओफ्लोक्स टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ओफ्लोक्स टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी ओफ्लोक्स टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ओफ्लोक्स टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओफ्लोक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर
डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओफ्लोक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ओफ्लोक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके